diré. जितने भी आईटी के बच्चे देख रहे हो, ये हमारी ब्यावर गणपति प्यावर प्राइवेट आईटी ब्यावर से बच्चे हैं और इन्होंने 2017-18 में पालन योजना के अंतर्गत जो मुख्यमंत्री हुनर योजना के अंतर्गत आती है उसमें एडमिशन लिया है। इसमें बच्चों को गवर्नमेंट आईटी मतलब जो गवर्नमेंट होती है फ्री में आईटी करने के लिए बोलती है, उसका जो रिफंड जो रिवर्समेंट होता है वो समाज कल्याण बोर्ड द्वारा होता है। ठीक है, जयप्रकाश जी जो अभी यहाँ पे है समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष, वो इस आईटी को फर्जी बता रहे हैं। जो मेरे पीछे जो खड़े बच्चे हैं इनको फर्जी बता रहे हैं, जबकि इनका प्रवेश पत्र आ चुका है, इनके पूरे सब कुछ डॉक्यूमेंट्स है। 10 जून से इनके एग्जाम भी स्टार्ट होने वाले हैं, बट इनको फर्जी बताया जा रहा है। इससे इनका जो रिवर्समेंट जो आना चाहिए, जो रिफंड आना चाहिए समाज कल्याण बोर्ड के थ्रू आईटीआई को या बच्चों के खाते में, वो नहीं आ पा रहा है। इसके इस मैटर में हम यहाँ पे मतलब धरना दे रहे हैं कलेक्टेड में। क्या बच्चों का भविष्य खराब हो जाए? बिल्कुल, बच्चों का भविष्य, 10 जून से परीक्षा स्टार्ट है, बच्चे अपने फाइनल सेमेस्टर में, इस सेमेस्टर को जस्ट कंप्लीट करने के बाद इनकी आईटीआई जो ट्रेड होती है उनका ट्रेड सेमेस्टर हो जाएगा, पूरा व्यवसाय कंप्लीट हो जाएगा। मेरा नाम विक्रम सिंह चौहान, ब्यावर गणपति आईटी ब्यावर। हम लोग यहाँ ये गणपति आईटीआई के छात्र हैं, जो कि यहाँ पे पालनहार योजना जो चल रही है मुख्यमंत्री के तहत जो चालू की गई थी, उस योजना के लिए इन बच्चों ने अप्लाई किया था आईटीआई कॉलेज में, पर इन लोगों की वो मांगे पूरी नहीं हो रही है, उन लोगों को वो स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, और इस जो इनके आईटीआई कॉलेज है उनको फेक बताया जा रहा है। यहाँ पे जेपी सर हैं, वो इनको फेक बता रहे हैं और फेक बता के बोल रहे हैं कि इन बच्चों की कोई स्कॉलरशिप नहीं आएंगी, बच्चे झूठे हैं तो उनके एडमिट कार्ड है, और एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड से ना इन लोगों को पेपर नहीं देने दे रहे हैं, क्योंकि इस कॉलेज वाले बोलते हैं कि आप लोग फीस भरिए, और यहाँ से इन लोगों ने स्कॉलरशिप का वो किया हुआ है, तो इनको स्कॉलरशिप भी नहीं मिल रही है, गरीब बच्चे कहाँ से भरेंगे इनको, जब इनके पेरेंट्स नहीं हैं तो ये लोग फीस कहाँ से भरेंगे। तो इन लोगों ने जो स्कॉलरशिप का है वो मिलनी चाहिए, और जो फेक बता रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास प्रूफ है, तो ये पूरा होना चाहिए और हमारी इनकी मांगें पूरी होनी चाहिए। पायल जैन, छात्र प्रतिनिधि।